बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्कूल आफ्टर कोविड-19 का ये आज पहला सेशन है जो ऑनलाइन सेशन है। क्योंकि ऑनलाइन सेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और स्कूल के लीडर्स को, स्कूल के टीचर्स को और पेरेंट्स को इस मौके पे ये बताना ज़रूरी है कि कोविड-19 के बाद की सूरत हाल को वो कैसे फेस करेंगे, इसलिए ये ऑनलाइन सेशन किया जा रहा है। क्योंकि इसकी अहमियत पहले भी बहुत ज़्यादा थी और इसकी अहमियत इस हद तक भी बहुत ज़्यादा थी कि डेल कंपनी, डेल टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, उसने भी और WHO ने भी कहा था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेज़ी से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, उसके नतीजे में होगा ये कि 2030 में यानी 2030 तक ये कोविड-19 की सिचुएशन पैदा होने से पहले ही ये रिसर्च मौजूद थी कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि 2030 के अंदर ये जो आज हमारे प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जब वो जॉब में जाएंगे तो उस वक्त 85% जॉब ऐसी होगी जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, वो या टेक्नोलॉजी की वजह से और ऑटोमेशन की वजह से। WHO उसको 65% कह रहा होता है और बाकी डेल टेक्नोलॉजीज ने 85% कहा कि ऐसी जॉब्स होंगे जिन जॉब्स को अभी हम नहीं जानते। तो ये तो बात पहले भी प्रेडिक्ट की जा रही थी कि टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उसके नतीजे में दुनिया में खासी तब्दीली आएगी, लेकिन ये जो पेंडेमिक की सूरत हाल पैदा हुई है, इस पेंडेमिक की सूरत हाल के अंदर तो इस टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए आज हम ये ऑनलाइन सेशन स्कूल आफ्टर कोविड-19 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कई स्कूल ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि वो स्कूल खोलें और यूरोप के अंदर जो पहला स्कूल डेनमार्क था उसने ये रिस्क लिया कि उसने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद डेनमार्क ने भी स्कूल खोला, फिर नॉर्वे ने भी स्कूल खोल लिया। 40% के करीब जैपनीज स्कूल जो हैं वो भी ओपन हुए, लेकिन अब जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो ये स्कूल वो स्कूल नहीं है जो कोविड-19 से पहले थे। इन स्कूलों की वो प्रैक्टिसेस नहीं हैं जो कोविड-19 से पहले थी। गोया अब अगर आप जानना चाहें कि ये स्कूल किन सूरत हाल को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। ये पिक्चर देखें सामने तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोरोना वायरस के नतीजे में जो स्कूल्स खुलेंगे बच्चे इस तरह मुँह पे फेस मास्क लेके घूम रहे होंगे। स्कूल के पेरेंट जब स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने 6 फिट का जो है वो फासला रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये डैनिश स्कूल है और इस स्कूल के अंदर क्लासरूम में अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि बहुत डिस्टेंस के साथ जो है लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कोविड-19 से पहले की सूरत हाल नहीं थी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये अंदाज़ा हो रहा है आपको कि वो जगहें जो कल तक स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती थी अब वो क्लासरूम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि क्लासरूम में अगर आप 6 फिट का सोशल डिस्टेंसिंग का मामला रखेंगे तो तमाम बच्चे इस क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकेंगे। अब स्कूलों में असेंबलियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और जो क्लासेस भी हो रही हैं उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। अगर आप ताइवान के इस तस्वीर को देखें तो स्टूडेंट्स जो यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, उनके डेस्क के ऊपर एक प्लास्टिक की पार्टीशन की गई है ताकि ये वायरस से जो है वो सेफ़ रह सकें। अगर आप क्लासरूम की सिचुएशन देखें तो हर बच्चा जो अपनी सीट पर बैठा हुआ है उस बच्चे के पास जो है वो एक प्लास्टिक की आपको शीट भी नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इस वायरस से बचने के लिए जहाँ स्कूल स्टार्ट हुए भी हैं वहाँ स्कूलों के क्लासरूम का वो इन्वायरमेंट नहीं है जो कोविड-19 से पहले स्कूल का इन्वायरमेंट था। किसी ने अपने जिम के अंदर जो है वो अपने क्लासेस का आगाज़ किया है और अगर वो जिम में क्लास नहीं कर रहे तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने ये किया है कि वो क्लासरूम के अंदर एक दिन में तमाम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे, कुछ बच्चों को अगर आज बुला रहे हैं तो कुछ बच्चों को कल बुला रहे हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह पहले एक क्लासरूम में एक दिन में आया करते थे अब ये उस तरह एक दिन में नहीं आ रहे। वो जो स्पोर्ट्स की जगहें हुआ करती थी अब वो क्लासरूम की जगहें बन चुकी हैं। तो इस तरह आप ये देखिए कि कोविड-19 ने किस तरह से तब्दील कर दिया। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिस सूरत हाल से सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही फेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि मैंने कहा कि वसाइल की कमी है इसलिए हमें अब ये देखना होगा कि इस पूरे कोविड-19 के बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, अपने स्कूलों को किन फेजेस में हमको प्लान करना चाहिए, वो कौन से 4 प्रायोरिटीज़ हैं जिनको हमको स्कूल में रखना चाहिए। तो ये आज के इस सेशन में हम उन 4 स्कूल के फेजेस को भी डिस्कस करेंगे, उन 3 स्फीयर को भी डिस्कस करेंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं, हम स्कूलों की 4 अपनी जो 4 प्रायोरिटीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इस पूरे सूरत हाल के अंदर हमें क्या लेसन लर्न करना चाहिए हम इसको भी आज के इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपके सामने सबसे पहले स्कूल की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए इस कोविड-19 की जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके नतीजे में स्कूल की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तब्दील होंगी।
ये जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इसको भी हमें इंशाल्लाह मैनेज करना है, अपने स्टाफ को जो ट्रेन करना है उसको भी हमने इंशाल्लाह मैनेज करना है, बच्चों की जो लर्निंग इंक्रीज करनी है इसको भी हमने इंशाल्लाह मैनेज करना है, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है उसको भी हमने मैनेज करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी और स्टाफ एंड कम्युनिटी इसको मेंटेन किए बगैर कोई स्टूडेंट लर्निंग स्कूल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि स्कूल खोलना ही पॉसिबल नहीं होगा तो स्कूल में लर्निंग कैसे पॉसिबल होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें अब अपने टीचर्स को और स्टाफ को एक नए अंदाज में ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग के टॉपिक्स सब कुछ तब्दील हो जाएंगे और वो ट्रेनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो नए होंगे और वो टीचर्स को सीखने होंगे, उसको सीखे बगैर जो है वो लर्निंग का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह इस COVID-19 की सूरत हाल जब पेश आई है इसके नतीजे में सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और उसके नतीजे में फाइनेंशियली भी जो है ज़ाहिर स्कूल भी बहुत ज़्यादा फेस करेगा और स्कूल इस वक्त भी फेस कर रहा है, जहाँ एक तरफ उसको स्कूल का रेंट देना है वहीं उसको दूसरी तरफ स्कूल के जो टीचर्स हैं उसको सैलरी भी देनी है, इस सारे एक्सपेंस को, और पेरेंट्स जो हैं ज़ाहिर वो भी एक खासा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत से पेरेंट्स की जॉब छूट गई है, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ही हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उनकी सेफ्टी को और इन सारी चीज़ों को हमने पॉसिबल बनाना है। जाहिर है कि अब हमारे पास कोई सूरत नहीं है, ये क्राइसिस सभी फेस कर रहे हैं, हम भी फेस करेंगे और हमें इस पर रहते हुए ही आगे लेके चलना होगा। ये जो मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स स्टाफ एंड कम्युनिटी है इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, आप अपने अपने घरों में भी बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, हम अपने अपने तौर पर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इससे हमारी अपनी जान को खतरा है। ये सेफ्टी मेजर जो है वो स्कूल की सतह पर लेना इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि स्कूल के मामलात में जब स्कूल के बच्चे अगर पहले की तरह आएंगे और पहले की तरह असेंबलीज होगी, पहले की तरह अगर क्लासरूम होगी, पहले की तरह अगर ब्रेक होगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मेजर को जो है वो मेंटेन कर पाए, इसलिए कि उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि हमारा स्टाफ मुतासर होगा, हमारे प्रिंसिपल और टीचर सभी खुद मुतासर होंगे, तो इस लिहाज से हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, पाकिस्तानी स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए ये खासा बड़ा चैलेंज होगा, पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो जब ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे स्कूल गए हैं तो उनको ये इत्मीनान होना कि वो बच्चे सेफ हैं, ये भी कोई आसान काम नहीं होगा, ये भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। फिर टीचर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम होगा कि वो बच्चों के लर्निंग के दौरान में वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मैनेज करें। तो इंशाल्लाह आफाक आपको स्कूल में हेल्थ एंड सेफ्टी को स्टाफ के, टीचर्स के, कम्युनिटी के आप कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी देंगे, इसके लिए आपको चेकलिस्टें भी देंगे, इसके लिए आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी देंगे, और इसके लिए आपको चेकलिस्टें हम टीचर्स के लिए भी देंगे, प्रिंसिपल्स के लिए भी देंगे और साथ में पेरेंट्स के लिए भी देंगे कि पेरेंट्स भी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मेजर करेंगे। तो इस हवाले से खासा कुछ रिसर्च करने की भी ज़रूरत थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और साथ ही साथ इस रिसर्च के बाद एक बहुत बड़ा काम जो होगा वो ट्रेनिंग के फेज से लोगों को गुजारना होगा और ट्रेनिंग के फेज के बाद ही ये बात मुमकिन होगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकें। ये चीज़ कॉस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इससे कोई फाइनेंशियल बर्डन तो शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा लेकिन इसकी लर्निंग ना होने के नतीजे में हमारे ये बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस पूरे दौरान में जो क्राइसिस आया है इसमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है, खासतौर पर जूम को देखें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ में कितना ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। तो हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर अब अपनी जो पेडागॉजी है उसको चेंज करके हाइब्रिड पेडागॉजी की तरफ जाना होगा, हमें लर्निंग के नए नए टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब ये रोट लर्निंग और ये मेमोराइजेशन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ मैं पेरेंट्स से भी ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अब पहला जो एक रिवायती तरीका होता था कि हम कुछ लैंग्वेज में, कुछ मैथमेटिक्स में, कुछ साइंस में मेमोराइज करके पास होके गुजारा कर लेते थे, अब नए आने वाले दौर में ये मुमकिन नहीं होगा कि इसके बगैर गुजारा हो। अब बच्चों के हवाले से जो रिसर्च हो रही है, इन बच्चों को क्रिएटिविटी पहले भी कहा जाता था लेकिन अब उसके बगैर बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं है, क्रिएटिविटी बच्चों को सिखानी पड़ेगी, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी पड़ेगी, बच्चों को साथ में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी जो है वो देखना होगा, इसके लिए टीचर्स, इसके लिए प्रिंसिपल्स, इसके लिए आप आपकी टीम, इसके लिए और भी जो रिसर्च के इदारे हैं वो और पेरेंट्स मिल के ही इस सारे काम को करेंगे। तो COVID-19 के बाद अब लाइफ स्किल्स को डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सपोर्टिंग टीचर और स्टाफ में ये बात अब जिस तरह मैंने आपसे जिक्र की कि अब आपके टीचर्स को आपको ये बताना पड़ेगा कि क्लासरूम के अंदर जो है वो बच्चों का साइज वो नहीं होगा, स्कूल का पूरा कैलेंडर ही तब्दील हो जाएगा। आपने देखा कि जिस तरह स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप साल के 180 डेज को प्लान करते हैं और आप उन 180 डेज को जहन में रख के सारी एक्टिविटीज को लेके चलते थे, कुछ स्कूल 200 डेज को लेके चलते थे, अब आपके वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए, अब वो प्लान इस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे,
कैलेंडर तब्दील हो जाएगा और आज भी जो कैलेंडर आप बनाएंगे उसके बारे में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैलेंडर पूरे साल में इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे या वो घराने जो इस कोविड 19 से मुतासिर हुए हैं या जो मुतासिर होंगे अल्लाह ना करे, उनके लिए अब एक दिन दो दिन की छुट्टी का मामला नहीं होगा। जिस फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आया उस फैमिली के अंदर जो है 14 डेज के लिए उनको क्वारंटाइन में जाना होगा, और जब क्वारंटाइन में जाना होगा तो उन बच्चों को उसी क्वारंटाइन के दौरान ही सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारा टीचर हमारे बच्चों के साथ जो उसका फिजिकल इंटरेक्शन होता था वो फिजिकल इंटरेक्शन का मौका वैसे ही इस साल कम हो गया है, और उसके चांसेस आगे भी यही हैं कि वो फिजिकल इंटरेक्शन का मौका हमें उस तरह अब नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें अपने टीचर्स को ये ट्रेन करना होगा कि अगर अब बच्चे एबसेंट हो रहे हैं तो अब एबसेंट होने की वजूहात पूछी जाएंगी, बजाय इसके कि हम बर्डन किसी एक पर डाल दें कि वो फीस बढ़ाएं। अब हमें वेंडर से भी निगोशिएट करना होगा, लैंडलॉर्ड्स से भी जो होंगे उनसे भी निगोशिएट करना होगा, प्राइसेस को नीचे लेकर आना होगा ताकि स्कूल फाइनेंशियली जो है इसको मैनेज करने के काबिल रहें और अपने टीचर्स को भी वक्त पर सैलरी देने की पोजिशन में हों। तो इस तरह एक तरीके से ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इसको भी हमें इंशाल्लाह मैनेज करना है, अपने स्टाफ को जो ट्रेन करना है उसको भी हमने इंशाल्लाह मैनेज करना है, बच्चों की जो लर्निंग इंक्रीज करनी है इसको भी हमने इंशाल्लाह मैनेज करना है, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है उसको भी हमने मैनेज करना है।